Rohit Sharma becomes a very, very, very ruthless, and you see his ruthlessness. कि उसने मार मार के भरता निकाल दिया है बॉलर्स का. वो जैम्पा के पीछे भी गया, वो मिचेल स्टार्क के पीछे भी गया. देखिए बड़ा मुश्किल सवाल है. मेरा फेवरेट जो है रोहित शर्मा है. और मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड बन गया भाई, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर इन हिज T20 इंटरनेशनल करियर. आज से पहले कभी भी इतने ज्यादा रन मिचेल स्टार्क को एक ओवर में पड़े नहीं है जितना रन अभी पड़ गए. इंडिया हैज हैमर्ड, जैसे बच्चों के साथ नहीं खेलते वैसे बच्चों के साथ खेला गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ. सो ये एक मुझे थोड़ी ज्यादती लगी हिंदुस्तान की जानब से, क्योंकि उन्होंने ये बहुत बड़ी ज्यादती कर दी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरी तरह मारा उन्होंने. किसको देखना चाहूंगा तो मैं रोहित शर्मा की बैटिंग को देखना चाहूंगा. क्या धागा खोल के रख गए ऑस्ट्रेलियंस का, समझ नहीं आ रही. पैट कमिंस को जो सबसे आहर में छक्का पड़ा, इतना लंबा छक्का यार, इतना लंबा छक्का, वो ऑस्ट्रेलियंस को समझ नहीं आ रही यार ये क्या हो रहा है, ये रोहित शर्मा क्या कर रहा है. मिचेल स्टार्क को क्या मारा है भाई साहब, छक्का चौका चौका छक्का डॉट बॉल छक्का 29 रन, और फिर उसके बाद पैट कमिंस को छक्का. मिचेल मार्श बड़ी बातें कर रहा था इंडिया को हराने का, बड़ा मजा आएगा हैं, इंडिया को हराएंगे बड़ा दिल खुश होगा. बेटा इंडिया वाले कह रहे हैं 19 नवंबर का जो बदला है ना तेरे में तप्पड़ नहीं है. दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में अगर सबसे ज्यादा मेक्स लुक बैटिंग सो इजी, यू नो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बॉलिंग अटैक हो, बड़े आराम से शॉट मारते हैं. रोहित शर्मा स्टार्टिंग ऑफ, एंड वंस रोहित शर्मा शुरू हो जाते हैं तो ये तो हसन अली ने भी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जिस दिन रोहित शर्मा का दिन हो उस दिन सारे बॉलर्स का दिन खराब हो जाता है. के आज जो बैटिंग किया ना रोहित शर्मा ने भाईजान साहब की खोल के रख दी है. ये वही ऑस्ट्रेलिया वाले कुत्ते के बच्चे कल बकवास कर रहे थे बैठ के कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पिच ये डिंगी है, पिच पे टर्न हो रहा है. बट द वे दे बैटेड, कोई चांस नहीं दिया, प्रॉपर शॉटिंग खेली है. रोहित शर्मा तो लुक्ड सो ब्यूटीफुल सो इजी, इट अपीयर्स ही हैज गॉट लॉट मोर टाइम देन द अदर बैटर्स. दूसरी बात आ जाए आप रोहित शर्मा की. रोहित शर्मा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर. उसका एग्जाम्पल उसके क्या कहते हैं, स्टैट्स स्पीक्स देमसेल्फ. रोहित शर्मा का रेंज ऑफ स्ट्रोक्स विराट से भी बेहतर है. वो दो छक्के चेक कर लिए थे क्योंकि वो बहुत जल्दी लेंथ को असिस्ट कर बैक फुट पे. सो दैट इज द ब्यूटी, दिस टैलेंट से भी गॉट टू बी नेचुरल. हाई एंड कोऑर्डिनेशन, वो कहते हैं ना हम क्रिकेट में बात करते हैं कि इसके पास टाइम बड़ा है. यूजली यार नहीं मतलब कि कोई घड़ियाँ की दुकान है, वो तो मतलब है कि वो लगता हमें ये है कि इसको बॉल स्लो आ रहा है. डेफिनेटली जो बॉलिंग जो भी खेलेगा भाई, बॉल करना कहाँ पे है. अगर आप ऑफ साइड तो ऑफ स्टंप करते हैं तो वहाँ चौका मार देते हैं, खिंचा हुआ बॉल करते हैं तो सामने उसको लिफ्ट कर देते हैं, और स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लेंथ को वो इतने आराम से स्क्वायर लेग और फाइन लेग की तरफ छक्का मार देते हैं. तो the way he is batting, I mean it's the margin of error, balki margin of error chhode, margin ke kahan ball karna wo bowler ke liye bada kaam. bachna kaise hai flawless batting thi aaj 100% aaj to bilkul flawless batting, you know bilkul flawless batting thi. It's amazing performance. Wo karta kya hai ki wo jab set hote hai na वो फिर अपनी विकेट को ना जाने नहीं देता. ऑस्ट्रेलिया की बचा के रख दिया यार, ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा के रख दिया रोहित शर्मा ने यार. इतना अटैक मिचेल स्टार्क का तो कैरियर खत्म हो गया है. उस बेचारे का समझ नहीं आ रही यार, इतने छक्के यार, मजा आ गया. रोहित शर्मा यार, ओल्ड रोहित शर्मा, द किलिंग रोहित शर्मा, द रो सुपर हिटमैन रोहित शर्मा इज ईटिंग ऑस्ट्रेलियंस यार. क्या धागा खोल के रख गए ऑस्ट्रेलियंस का, समझ नहीं आ रही. पैट कमिंस को जो सबसे आहर में छक्का पड़ा, इतना लंबा छक्का यार, वो ऑस्ट्रेलियंस को समझ नहीं आ रही यार ये क्या हो रहा है, ये रोहित शर्मा क्या कर रहा है. वो समझ रहे थे विराट कोहली गया तो बस अब हम मैच जीत गए, जैसी उनकी सेलिब्रेशन थी भाई, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया विराट कोहली को जीरो पर आउट करके. ये सिर्फ रोहित शर्मा कर सकता है भाई. आज ऑस्ट्रेलियंस की हैर नहीं है, आज ऑस्ट्रेलियंस का फेंटा लगना है, आज ऑस्ट्रेलियंस का घंटा बजना है. मैं कह रहा हूं तुम लोगों को, इनकी हैर नहीं है. जिस किलिंग फॉर्म में रोहित शर्मा ने, मिचेल मार्श तो कह रहा था इंडिया से बेटर टीम तो कौन हो सकती है जिसको हम हराएंगे और आगे आएंगे, इट्स लाइक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल. तो देख ले बेटा रोहित शर्मा तुम लोगों के वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में क्या कर रहा है. रोहित शर्मा इज इन रिवेंज टोन. ऐसा रोहित शर्मा आपने नहीं देखा होगा भाई स्टार्ट से, उसके अंदर जो
पानियों के अंदर आग थी उससे 10 गुना बड़ी आग है रोहित शर्मा के अंदर, उससे 10 गुना ज्यादा उसके अंदर है कि भाई मैंने बदला लेना है। ये जो रोहित शर्मा की पावर हिटिंग है ये बदले वाली पावर हिटिंग है, ये बदला लेने वाली पावर। लेकिन रोहित शर्मा तो भाई साहब एक अलग ही जोबन पे आज चल रहा है, मतलब मिचेल स्टार्क को क्या मारा है भाई साहब, छक्का चौका चौका छक्का डॉट बॉल छक्का 29 रन, और फिर उसके बाद पैट कमिंस को छक्का। जॉश हेजलवुड दो बड़े जबरदस्त ओवर बीच में कर गया, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह रोहित शर्मा जिस तरह फेटे लगा रहा है उसका मतलब मजा ही अलग हो जाता है जब इस तरह के फेटे लग रहे होते हैं। दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में अगर सबसे ज्यादा सेल्फलेस प्लेयर देखा है ना वो है रोहित शर्मा। इस बंदे को कोई परवाह नहीं होती है यार कि मेरी सेंचुरी होने वाली है, मैं कोई माइलस्टोन अचीव करने वाला हूं, नहीं, इस बंदे को सिर्फ टीम के लिए खेलना होता है। रोहित शर्मा 40 बॉलों पे 92 रन पे मौजूद हैं, और वहां पर अगर रोहित शर्मा चाहते 5-7 बॉलें और लेके एक हिस्टोरिकल सेंचुरी जो आप वर्ल्ड कप में बना सकते थे, लेकिन रोहित शर्मा ने छक्का मारने के लिए रोहित शर्मा गए और जो अपनी विकेट जो दे दी। मिचेल स्टार्क ने रोहित शर्मा को बोल्ड किया, लेकिन उससे पहले रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को नानी ने याद करवाई है ना, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है, नानी याद करवा के रख दिया है। स्टार्क तो बड़ा ये उछल रहा था, लेकिन यही स्टार्क था जिसको एक ओवर में रोहित शर्मा ने 29 रन लगा दिए, छक्का छक्का चौका जीरो, फिर जो है वो वाइड, फिर छक्का, 29 रन स्टार को लगा दिए, जाओ 4 छक्के 1 चौका लगा दिया। पैट कमिंस को इतना बड़ा छक्का लगाया कि वो जाके जो छत पे जो बॉल गिरा, और ये आउट करके खुशियां ऐसे बना रहे थे जैसे इन्होंने पता नहीं क्या उखाड़ लिया। लेकिन यार इस बंदे की जितनी तारीफ की जाए ना उतना कम है। हमने लास्ट वर्ल्ड कप में देखा कि इस बंदे ने सिर्फ टीम के लिए खेला, आता था ये बंदा एक अच्छा स्टार देता था ताकि टीम मेरी का फायदा हो जाए। आज आप देखें विराट कोहली के आउट होने के बाद रोहित शर्मा ने वो अटैक किया ना, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है उसका मर्डर करके रख दिया, अगर ये कहा जाए ना कुछ कम नहीं होगा। आप देखें 41 बॉलें 92 रन 7 चौके 8 छक्के 224 का स्ट्राइक रेट, भाई कुत्ते की तरह मारा है, यकीन माने आप गोरों को मार मार के दुम्बा बना दिया आज। और ये होती है T20 की बैटिंग, इस तरह से बैटिंग की जाती है पावर प्ले में। अगर दो ओपनर्स जाते हैं ना, एक ओपनर ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल बॉलर्स का नक्शा बिगाड़ के रखते। तो हिटमैन शर्मा के लिए सैल्यूट है भाई साहब, और इसकी जो अप्रोच है उसके लिए, और जो ये बंदा बिल्कुल जो सेल्फलेस अपने बारे में सोचता ही नहीं है, सेल्फलेस ये बंदा खेलता है, कोई सेंचुरी के बारे में नहीं सोचना है, कोई 50 के बारे में नहीं, बस भाई मुझे जो काम आता है वो मैंने करना है और मैंने इस तरह खेलना है कि मेरा कुछ बने ना बने टीम का काम बन जाए। और आज रोहित शर्मा टीम का काम बना के गए, आप देखें 12 ओवर्स में 133 रन हो चुके हैं, और जो 3 खिलाड़ी आउट है, अभी यहां से भी इंडिया की टीम 200 प्लस ना बनाए। मिस्टर सिक्सर छक्के मारने में तो मास्टर है, 8 छक्के 7 चौके जो 29 रन दिए उसने आज मिचेल स्टार्क के, तो उसको बता दिया होगा। हालांकि मिचेल स्टार्क ने स्लो रन पे बोल्ड करा, इनसाइड एज पांव से लग के बोल्ड हुआ है, लेकिन क्या फेटा लगाया जी, क्रिकेट इसको बोलते हैं, मिस कर दी सेंचुरी। सेंचुरी होती मुझे बहुत खुशी होती, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स ने बड़े नाम लिखे हुए थे उसमें, बटलर का, तो सूर्य कुमार यादव का, विराट का, रोहित का, सेंचुरी होनी चाहिए थी, लेकिन ये 92 जो है ये सेंचुरी के बराबर ही है। और क्या टॉप क्लास इनिंग्स खेली है, दिल जीत लिए, मेला लूट लिया, मैच कुछ भी हो, मैच का फैसला कुछ भी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया मैच जीते, लेकिन रोहित शर्मा ने बता दिया कि उस जैसा डेंजरस बैटर इस वक्त टॉप ऑर्डर में कोई नहीं है। आपने देखा होगा इंडिया अपना वेस्ट इंडीज में बैट्समैनों की इतनी इतनी मजेदार बैटिंग नहीं आ रही, आज जो उसने छक्के मारे अच्छा कवर पे, ओए 2 छक्के मारे, फिर जो मिडॉन के ऊपर से लंबा छक्का मारा, कमिंस के पहले ओवर में 15 रन लेना बड़ी बात है जी, कमिंस इतना आसान बॉलर नहीं है, लेकिन पावर प्ले में हेजलवुड ने बहुत अच्छी बॉल करे, 3 ओवर में उसने 10 रन दिए, विराट की विकेट ली, 6 ओवर में बनाए 60 रन जिसमें 5 चौके और 5 छक्के दे, और 10 ओवर में 114 पे 2 टॉप क्लास। ऋषभ पंत अच्छा खेल रहा था, 15 रन करे उसने 14 बॉलों में, क्योंकि सामने से उसको पता था
कि चैंपियन बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, मुझे विकेट पे रुकना चाहिए। उसने हालांकि एक छक्का मारा था, चौका भी मारा। क्या धागा खोल के रख गए ऑस्ट्रेलियंस का, समझ नहीं आ रही। पैट कमिंस को जो सबसे आहर में छक्का पड़ा, इतना लंबा छक्का यार, इतना लंबा छक्का, वो ऑस्ट्रेलियंस को समझ नहीं आ रही यार, ये क्या हो रहा है, ये रोहित शर्मा क्या कर रहा है। वो समझ रहे थे विराट कोहली गया तो बस अब हम मैच जीत गए, जैसी उनकी सेलिब्रेशन थी भाई, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया विराट कोहली को जीरो पर आउट करके। बट नहीं, रोहित शर्मा खड़ा है भाई, रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा आगे रख दिया यार। आप देखो तो सही यार, 41 और वो भी 14 गेंदों पे यार, ये सिर्फ रोहित शर्मा कर सकता है भाई। आज रोहित, आज ऑस्ट्रेलियंस की हैर नहीं है, आज ऑस्ट्रेलियंस का फेंटा लगना है, आज ऑस्ट्रेलियंस का घंटा बजना है। मैं कह रहा हूं तुम लोगों को, इनकी हैर नहीं है। जिस किलिंग फॉर्म में रोहित शर्मा नजर आ रहा है, मतलब रोहित शर्मा इज सो हॉट, रेड हॉट फॉर्म यार, बजा के रख देनी है उसने ऑस्ट्रेलियंस की। और मचल मार्च के था, इंडिया से बेटर टीम तो कौन हो सकती है जिसको हम हराएंगे और आगे आएंगे, इट्स लाइक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल। तो देख ले बेटा, रोहित शर्मा तुम लोगों के वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में क्या कर रहा है। रोहित शर्मा इज इन रिवेंज टोन, ऐसा रोहित शर्मा आपने नहीं देखा होगा भाई स्टार्ट से, उसके अंदर जो फानियों के अंदर आग थी उससे 10 गुना बड़ी आग है रोहित शर्मा के अंदर, उससे 10 गुना ज्यादा उसके अंदर है कि भाई मैंने बदला लेना है। ये जो रोहित शर्मा की पावर हिटिंग है, ये बदले वाली पावर हिटिंग है, ये बदला लेने वाली पावर हिटिंग है कि भाई मैंने ऑस्ट्रेलिया से बदला लेना है और ऑस्ट्रेलियंस का घंटा बजाना है, ऑस्ट्रेलियंस की फेंटी लगानी है यार। मतलब इतनी रेड हॉट फॉर्म यार रोहित शर्मा, इतना हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि भाई स्टार के तुम धोती खोल के रख दोगे। उस स्टार बेचारे को समझ नहीं आ रही यार, मैं क्या करूं, मैं कहां बॉल कराऊं, वो बेचारा फुल टॉसिंग करा रहे। मतलब रियली इट्स अ सीरियस पावर हिटिंग, ये कोई आसान काम नहीं है। विराट कोहली जीरो पर आउट हो गया, ऋषभ पंत आ रहा है उससे भी वो भी स्ट्रगल कर रहा है, इंटेंट ही नहीं दिखा रहा। वहां एक बंदा रोहित शर्मा सेल्फलेस यार, अगर सेल्फलेस होने का कोई नाम है तो वो रोहित शर्मा है। एक बंदा मतलब परवाह ही नहीं है, मेरा करियर, मेरी कप्तानी, फला फला कुछ नहीं यार, वो सेल्फलेस होके अपने देश के लिए, इतना वो नेशनलिज्म है उसके अंदर ना, वो परवाह किए बैर अपनी विकेट की परवाह किए बैर। देखो हर एक अटैकिंग शॉट थी, पहला छक्का मारा फिर दूसरे के लिए गया, दूसरे पे आउट हो जाता, सब कहते एक छक्का आ गया था ना, फिर क्यों अटैक किया। और ये इनकी एक्साइटमेंट ही अलग थी जब 29 रन पड़े आज, क्या कहते हैं अपना मिचेल स्टार्क को, और मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड बन गया भाई, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर इन हिज टी20 इंटरनेशनल करियर। आज से पहले कभी भी इतने ज्यादा रन मिचेल स्टार्क को एक ओवर में पड़े नहीं है जितना रन अभी पड़ गए। और मजे की बात क्या है कि 200 छक्के मारने वाले टी20 इंटरनेशनल में पहले प्लेयर बन गए रोहित शर्मा। मतलब रेन ब्रेक यहाँ भी कुछ ऐसी तरह माहौल है बारबाडोस में, कुछ मुख्तलिफ माहौल नहीं है, सारे आइलैंड्स पे हरिकेन सीजन है तो इसी तरह का माहौल चल रहा है सारे आइलैंड्स के ऊपर ही। अगर आप देख सकते हैं काले घने बादल, धूप निकल आती है फिर बरसात होने लग जाती है, लेकिन भाई साहब मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। रोहित शर्मा ये छक्के मतलब दिल से छक्के मारे रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा ने बोला आगे पीछे ऊपर नीचे की जितनी कसर है वो सब पूरी कर दो। रोहित शर्मा का एक वो है ना टाइटल हिटमैन, तो बिल्कुल आज हिटमैन वाली कसाईयों वाली आज रोहित शर्मा की तरफ से बर्ताव हुआ है क्या कहते हैं मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट। लेकिन भाई बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी, लंबे रन्स बनाने पड़ेंगे। सेंट लूशिया का विकेट ऐसा है पूरे वेस्ट इंडीज़ करेबियन के अंदर जिसने अभी तक बैटिंग को रिस्पॉन्ड किया, तो मुझे ज़ाती तौर पर लगता है रोहित शर्मा नीड्स टू कैरी ऑन विद दिस मोमेंटम। लेकिन वही इंडिया का जो मेथड है और अप्रोच है इस पूरे टूर्नामेंट में कि बल्लेबाज के सामने क्या रहा